हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम 1 में 6 का डिवाइड कैसे करें, यह देखिए आपको ऐसे भिन्न के रूप में दिया हुआ भी मिल सकता है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको डिवाइड करने के बेसिक पता है तो आपके लिए डिवाइड करना चुटकियों का खेल है। यहाँ पर हम किसका डिवाइड करें, अपना 6 का। कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या 6 से बड़ी हो। क्या यह 6 से बड़ी है, आप कहेंगे नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट लेंगे और इसके साथ एक जीरो लिख सकते हैं। कितना बन गया, 10। अब हम 6 का पहाड़ा कितनी बार लें कि आपका 10 से बड़ा ना है। देखिए, एक संग संग बे संग बारह, यदि हम 2 बार लेते हैं तो 10 से बड़ा आ रहा है। 1 बार लिया कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। फिर हम इसको माइनस करते हैं, 10 माइनस 6 कितना आ गया, 4। चूंकि हमने पॉइंट लगा रखा है तो जो घटाते संख्या आएगी उसके साथ हम क्या लिख देंगे, एक जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करें बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। 6 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 40 से बड़ा ना है। देखें, 6 संग 36, 7 संग 42। देखिए, 7 बार लेते हैं, 40 से बड़ा आ गया। 6 बार लिया कितना आ रहा है, 36। फिर हम इसको घटाते हैं कितना आ गया, 4। चूंकि पॉइंट लगा रखा था इसके साथ जीरो आ जाएगा। फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया, 36। फिर हमने घटाया, फिर कितना आ गया, 4। पॉइंट लगा रखा तो जीरो आ गया। फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया, 36। फिर माइनस किया, फिर आ गया 4। पॉइंट लगा रखा तो जीरो आ गया। इस प्रकार से आपका डिवाइड आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये भागफल आ गया, कितना आ रहा है, 0.1666। और अप्रोक्सीमेट हम इसको कितना लिख सकते हैं, 0.167। कैसे, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, जहाँ से छोड़ रहे हैं यदि वो आपका 5 या 5 से बड़ा है तो क्या होता है, आगे में एक जुड़ जाता है। ठीक है, तो 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यदि आपको कहीं कैलकुलेशन में ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके भाग में 8 6 रहा है लेकिन यहाँ 7 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन वो इस तरीके से है जो 1 प्लस होकर बनता है।